इस फैसले का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ओबीसी वर्ग पर, एक तो ये बात, फायदा मिला है वाकई नहीं मिला है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के रिकी ने संविधान की जीत हुई, बीजेपी के रही सत्य की जीत हुई, दोनों जाहिर सी बातें श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जो ओबीसी वर्ग जो कह रहा था 21 मई को साहब हम भारत बंद करेंगे, है ना, तो वो उसमें उस वर्ग पर क्या फर्क पड़ा है? पूरा मामला जो है वो पूरा ऐसा हो गया है जैसे किसी चीज को हम कहते हैं ना कि पूरा एक डिब्बे में डाल के हिला दिया जाए तो फिर वो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाता है। ओबीसी के मामले में हुआ है, बात दरअसल शुरू हुई थी परसीमन से, बात दरअसल शुरू हुई थी उसके क्षेत्र डिसाइड करने को लेकर, लेकिन बात कहां पर अटक गई है? ओबीसी आरक्षण पर। ओबीसी आरक्षण पहले से ही निर्धारित मापदंड है सुप्रीम कोर्ट के कि सभी कैटेगरीज को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो और ओबीसी, इन तीनों समूहों को मिला दिया जाए तो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जब सरकार थी तो कांग्रेस ने एक हम कहें कि दाव खेला कि 27% आरक्षण सेपरेट ओबीसी के लिए होना चाहिए। वहां से जब बात शुरू हुई, बात हाई कोर्ट में गई, दो बार गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वो गफलत में पूरा मामला पड़ता रहा और लास्ट में हुआ क्या कि ये जो आरक्षण को लेकर जो कंट्रोवर्सी है इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक डिटरमिनेशन में रख दिया कि आप इसके बिना जाइए। जब बिना जाइए वाली बात आ गई तो फिर कांग्रेस को ऐसा लगा कि जैसे एक चिराग मिल गया हो, कांग्रेस सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां समझते थे कि ओबीसी एक बहुत बड़ा वर्ग है प्रदेश का, और यदि ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की नीतियों से, भाजपा सरकार के कामकाज से या भाजपा सरकार की मंशा से थोड़ा सा भी छिटक गया, कांग्रेस उसे समझाने में कहीं ना कहीं एक सफल हुई, तो निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने तात्कालिक रूप से कहा कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे। रिव्यू पिटीशन का कोई ऑप्शन नहीं था जैसा विवेक तन्खा जी ने कहा, निश्चित तौर पर नहीं था, क्योंकि उसी बेंच में रिव्यू पिटीशन जाती है। तो सरकार ने एक नया जो सलाहकार हैं उनसे सलाह ली, जो विधि के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ली, और बात हुई कि अब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर जाएंगे। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में ये होता है कि कम से कम आप हमारी 2-3 बातें मान लीजिए, आग्रह किया जाता है और वो मान ली गई, क्योंकि जो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने सबमिट की थी ट्रिपल टेस्ट के मापदंड के आधार पर, उस टेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां तो थी, जिसकी पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कमिटमेंट किया वो सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ अब ठीक है, आप ओबीसी आरक्षण करिए, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस फिर से क्यों हमलावर है? उसकी वजह साफ है कि टोटल आरक्षण 50% है, अब उसमें 50% आरक्षण 1% ओबीसी के लिए, बाकी एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, तो ये जो टोटल 50% है इससे इतर कोई जा नहीं सकता है, निर्धारित मापदंड है। इसलिए सरकार की यहां पर जीत जरूर है कि जब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होने की बात या आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, तो अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत सरकार को दी है कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ जाइए। तो अब संवैधानिक तौर पर ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। अब पार्टियों की बात जहां तक रही, उनका सीधा मानना है कि हम सामाजिक सहभागिता से, राजनीतिक सहभागिता से, तो अभी भी बात वहीं अटकी है कि 14% से ज्यादा, 27% कौन देगा, 33% कौन देगा, सब अपने अपने दावे करेंगे, सब अपने अपने वादे करेंगे। अभी आगे आगे देखिए, अभी ये जो ओबीसी का चिराग है ना, अभी ये रगड़ेंगे जब राजनीतिक दल, तो इससे बहुत सारे ऐसे चीजें निकलेंगे। बिल्कुल, तो इसमें ये माना जाएगा कि अभी बहुत ज्यादा शांति नहीं है। अभी फैसला जरूर सरकार के पक्ष में आया कि चलो जो मंशा थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो ठीक है, उनकी मंशा जायज भी थी कि कम से कम ओबीसी, मैं बिल्कुल नहीं लगता कि इससे जो ओबीसी महासभा है वो संतुष्ट होगी। बिल्कुल, ओबीसी महासभा ने तो आज भी कह दिया कि बैठक बुलाएंगे, और ओबीसी महासभा बैठक बुला रही है। ओबीसी महासभा ने साफ कहा कि 27% आरक्षण चाहिए, लेकिन यहाँ तो 14% पर अब कांटा अटक गया है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। संदीप जी, तो जो खास अटकी हुई थी, जो हड्डी अटकी थी आरक्षण की, क्या निकल गई है इसका? जो 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 पूरा जो कमिटमेंट था पूरा हुआ है वाकई? जो मंशा थी दोनों राजनीतिक दलों की कि भाई ये हो जाएगा अगर ओबीसी एक बार हमारी बात समझ गया या एक बार हमारे पाले में, क्या ये सब चीजें हुई हैं सर, या फिर और उलझ गई हैं? संदीप जी,
देखिए देखिए ही आप ये मान के चलिए दोनों राजनीतिक दल 27 से कम की बात नहीं कर रहे थे ओबीसी आरक्षण की, 27% की बात कर रहे थे, बात कहाँ ठहर गई आके 14। ये राहत की बात हो सकती है सरकार को राजनीतिक तौर पर, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओबीसी वर्ग है जिसे आप जीते काफी समय से, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई हो, दोनों दल ओबीसी को लुभाने के लिए 27 और 35% चले गए थे। आप क्या सुप्रीम कोर्ट को एक आधार बना के या ढाल बना के ये बताने की कोशिश करेंगे, अब हम तो मजबूर हैं सर 14% ही मिल पाएगा आपको, तो ये राजनीतिक दल कहते कुछ और हैं, संविधान का क्या अध्ययन नहीं किया इन राजनीतिक दलों ने? सवाल एक उठता है कि जब 50% का लिमिटेशन ही है, हमारे यहाँ 5 सदस्यीय संविधान पीठ का ये फैसला है, उसको कौन बदल सकता है? लेकिन राजनीतिक दल है उन वर्गों को लुभाने के लिए कोई 27 की बात करता है, कोई 35 की बात करता है, जब विधानसभा में कोई पत्र पेश करने की बात आती है तो वो आबादी को 27% बता देता है। ये जो गफलतें हैं राजनीतिक दलों की, मुझे दीपेश जी कहने में कतई शक नहीं है, शुभा नहीं है कि इन राजनीतिक दलों को सिर्फ वोट से मतलब है, कि तर्क कुछ भी दें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्हें उस वर्ग को लुभाने की कोशिश है ताकि वो नगरीय निकाय हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, ये चुनाव जीत दे जाए। अगर वाकई में इनकी मंशा है कि ओबीसी का परसेंट बढ़े तो क्या संविधान में संशोधन की कोई कवायद की गई? क्योंकि जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं करेंगे तब तक आप 50% की जो आपकी लाइन है, लेकिन उसको कैसे क्रॉस करेंगे? दिखाई देती है कि वो कहती है कि भाई बाकी स्टेट में नहीं है इतनी ज्यादा संख्या में ओबीसी, और कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर 50% से ज्यादा भी आरक्षण मिल रहा है, साउथ के स्टेट हैं जहां पर अपने अपने नियम उन्होंने बना रखे हैं, उनको अप्लाई भी कर रखा है। तो बात यही है कि फिर बीजेपी क्या गलत कहती है कि भाई 50% आबादी ज्यादा है, 50% से ज्यादा आबादी है, तो भाई 50 नहीं तो कम से कम 27 दीजिए, कुछ तो दीजिए, आरक्षण होना चाहिए इस आबादी के लिए, वो कहां गलत है? और ये ऐसा कानून है जिसको पूरे देश पे लागू, जैसे ईडब्ल्यूएस तो ठीक है चलिए ये सामान्य निर्धन लोग जो हैं वो आ गए दायरे में, लेकिन ओबीसी कहीं पर है ज्यादा कहीं पर नहीं है, कहीं पर कोई कास्ट है, तो वो पूरे देश में कैसे अप्लाई हो पाएगा? संदीप जी, राजनीतिक दल है वो सब अपने हिसाब से समीक्षा करते हैं, जिन राज्यों की आपने बात की है उन्होंने अपने स्तर पर संशोधन किया है, प्रतिशत बढ़ाया है, क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के संशोधन की कोशिश हुई है? मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा पक्ष भी है दीपेश जी, आप उसको नहीं नकार सकते, क्या अगर हम प्रतिशत जो आरक्षण का प्रतिशत है 50 से बहुत ऊपर ले जाएंगे तो क्या दूसरे वर्गों में असंतोष नहीं बनतेगा? ये भी तो राजनीतिक दल के सामने एक सवाल होता है। तो राजनीतिक दल बहुत तोल मोल के चलते हैं, वो बात कुछ और कहते हैं लेकिन उनके पर्दे के पीछे जो मंथन चलता है वो कुछ और होता है। यही कारण है कि तमाम कवायद के बाद चुनाव लटके, 3 साल वक्त गुजर गया, सब हो गया, और गाड़ी कहाँ ठहरी है? जो 14% थी वही है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए अपने आप में मंथन करने की जरूरत है कि क्या वो ऐसे शिवू के क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि कोर्ट कौन लोग गए हैं, चाहे कांग्रेस से जुड़े हो चाहे बीजेपी से जुड़े हो, लोगों वही सारे लोग तो कोर्ट में है ना आज। चल जी, तो बात ये कि क्या शिगुफा भय बन के रह जाएगा ओबीसी आरक्षण 27% आरक्षण? ठीक है, राजनीतिक दल अपने स्तर पर देंगे क्या? दे ही रहे हैं आप तो, अभी जो है दोनों दलों के अगर हम मिला लें तो 36% से ज्यादा विधायक हैं, तो फिर ये केवल क्या शिगुफा है क्या नया? और दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है कांग्रेस बीजेपी में इस मामले को लेकर के। विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे ही चुनाव की बात आई उसको शुरू से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा, मैंने अभी पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री तीनों गए और उन्होंने पूरी ताकत से उस बात को रखा। कोर्ट ने टेक्निकल रूप से जितना आरक्षण दिया है वो कहीं ना कहीं आपको सबको मानना पड़ेगा कि इसमें सरकार की मंशा थी, सरकार की ताकत थी, और आखिरी में लाए। और प्रदेश अध्यक्ष जी, तो कमलनाथ जी ने जब कहा था कि हम ये करेंगे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहले कह चुके हैं कि जितना आरक्षण है उससे ज्यादा हम पार्टी में किस्तों के वितरण में उसका ध्यान रखेंगे और करेंगे, ये स्पष्ट है पहले से ही है। तो फिर ये ओबीसी आरक्षण, मतलब चलिए आपने यहाँ दे दिया, अब जो सरकारी एग्जाम है, ठीक है, शासकीय नौकरियां हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या टेक्निकल जो सीटें रहती हैं एजुकेशन की, वहां
वहां भी तो मांग हो रही है ना, तो बात यही फिर इसका निराकरण क्या होगा? ओबीसी वर्ग ये कह रहा है, मैं सीधे कहता हूं आपसे, वो कह रहा है साहब हमें संविधान से दिलवा दीजिए 27% आप ले आइए लोकसभा में, मैं जो मैंने आपके पहले समस्या बता दी वो मत गिनाएगा, कुछ और उसके अलावा अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो रखिए। विशाल जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अकेले चुनाव की बात नहीं है, सरकार ने इस बात को पहले ही कहा है कि चाहे वो नौकरी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, और सारे विषयों में माननीय मुख्यमंत्री लगातार ओबीसी वर्ग को लेकर अलग अलग योजनाएं, अलग अलग बातें कर चुके हैं, और वो योजनाएं चल भी रही हैं और उन पर काम भी हो रहा है, बोली नहीं जा रही है, हो रही है मध्यप्रदेश में। मैं ये पूछता हूँ आपसे सीधे कि क्या अभी ओबीसी राग, आरक्षण राग खत्म हो जाएगा? राग का विषय तो समाज का है, पर सरकार और पार्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो लगातार इस दिशा में सरकार और पार्टी दोनों का नहीं, हम कह रहे हैं 14 मिल गया, फिर से 27 को लेकर नई जंग तो शुरू नहीं होगी, क्योंकि आनंद जी तो कह रहे साहब हमारी सरकार बनी तो हम देंगे, कहने को आप भी कह देंगे, लेकिन भाई जो कहा संदीप जी ने कि जो चीजें होंगी वो या तो संसद से होंगी या सुप्रीम कोर्ट से होंगी, उसके लिए आपको जैसे साउथ में दिया जाता है रिजर्वेशन 50 से भी ज्यादा, तो वैसी कुछ या तो यहाँ पर कवायद कीजिए, वैसा कुछ होगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसको लेकर भी पार्टी के वरिष्ठ लोग कहीं ना कहीं इस बात पर बात कर रहे हैं, और जल्दी ही आप सबके बीच में कुछ ना कुछ निर्णय पार्टी करेगी। वो कुछ ना कुछ में तो सब कुछ अटका हुआ है आनंद जी, तो आप लोग तो खैर उस इंतजार में बैठे कि कब राज्य में भी हमारी सरकार बन जाएगी, कब केंद्र में हमारे 300 सांसद आ जाएंगे, फिर हम ये सब कानून बना देंगे, तो वो दिन तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन उसके पहले क्या ये ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए जो सारी कवायदें आज खत्म करके नए वर्ग को लुभाने में जुटेंगे, या फिर अभी भी ओबीसी आरक्षण चलता रहेगा आप लोगों का? देखिए दीपक जी, कांग्रेस संकल्पित है कि देश के और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी मुख्यधारा में शामिल करना, उसके आंसू पहुंचना, उसको रोटी कपड़ा मकान मुहैया कराना। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वायदे किए थे 2014 के पहले, वो सब वायदे सब रखे गए कहीं, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ आज तक, चाहे डीजल की बात हो, पेट्रोल की बात हो, काले धन की बात हो, 15 लाख की बात हो, और 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात हो, तो ये जो बातें करते हैं ये सब हवा में बातें करते हैं, केवल और केवल लोगों को लुभाने के लिए बातें करते हैं, धरातल पर कुछ नहीं लाते, और उसका ये परिणाम है कि जो 14% आरक्षण की बात करते हैं, 14% आरक्षण तो दिग्विजय सिंह की सरकार में ही दे दिया जाता था, आज से जब आगे का बताइए सर, आज से क्या जंग खत्म हो गई है या नए सिरे से आप इसको उठाएंगे, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए दीपेश जी, हमने क्या बोला कि हम कृषक देते हैं, हम बिल्कुल वायदा करते हैं पिछले वर्ग को किया उतना हम आरक्षण किया, उतना हम आरक्षण दिलवाएंगे। एससी नाराज हो गए तब? देखिए जिनका जितना अधिकार है उनको सबको, नाराज होने का सवाल ही नहीं, कांग्रेस ने हमेशा इन वर्गों को उत्थान की बात। चलिए SC ST छोड़िए, सवर्ण नाराज हो गए और दूसरे अल्पसंख्यक नाराज हो गए, फिर देखिए दीपेश जी, जब देश काल परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस हमेशा काम करती है और कहीं भी किसी को कहीं कोई तकलीफ नहीं देती, ये कांग्रेस का वायदा रहता है। कांग्रेस व्यापारी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा व्यापार के रूप में लिया राजनीति को, कांग्रेस ने हमेशा सेवा के रूप में लिया और हमेशा सेवा करती रही और हमेशा जो दबे पिछड़े लोग हैं उनके उत्थान की बात करती कांग्रेस। कांग्रेस कभी भी ऐसी बात नहीं करती जहां कभी आम नागरिक को तकलीफ हो, तो कांग्रेस ने हमेशा लोगों के आंसू पहुंचने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा अलग है, इनकी कथनी कर अभी सिर्फ बातों के बताशे बना रहे हैं दो ही, क्योंकि एक वाकई कोर्ट से ले आया कुछ नहीं तो 14% आरक्षण ही ले आया, और दूसरा जो है ये नहीं कह पा रहे कि बात 27 की थी अब 14 लाएं तो फिर, लेकिन फिर भी दोनों अपनी पीठ थपथपा रहे। महन जी एक कमेंट यही भाई, माना बहुत एक उम्मीद छोड़ चुके थे लोग कि भाई कोई ओबीसी आरक्षण के, अच्छा एक तो ये भी था कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे उसको लेके बड़ा संशय था, तो सारे बादल जो थे वो आज छट गए हैं। बिल्कुल, कम से कम चुनावी मोड में आ गई है सरकार और चुनाव होंगे अच्छी बात है, बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, 3 साल का वक्त हो गया है, और अब जब विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी थी दोनों राजनीतिक दलों को, तब अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, तो इससे कम से कम एक टेस्ट तो हो ही जाएगा, जो एक सेमीफाइनल का टेस्ट जैसे होता है कि हमारे कैसे खिलाड़ी खेलेंगे, कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन बात वही है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो अब अढ़ाई कोस ही चल पाए हैं, अब देखते हैं कि कौन कितना उस अढ़ाई कोस को 9 किलोमीटर में बदल देता है। ओबीसी वर्ग पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा कि नहीं, यार देखिए हमारी सरकार जो है
इतना जंग लड़ करके और हमारे लिए संवैधानिक तरीके से आरक्षण लेकर के आई, कुछ इम्पैक्ट? देखिए, फर्क तो निश्चित तौर से पड़ा होगा, इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं, क्योंकि जब उम्मीदें छोड़ चुका था एक वर्ग कि अब बिना ओबीसी के ही इलेक्शन में जाना होगा, और दोनों दलों ने ये घोषणाएं कर दी थी कि हम 27% आरक्षण के हिसाब से ही टिकट वितरण करेंगे, एक दल कह रहा था कि हम 30% या 33% के हिसाब से टिकट वितरण करेंगे, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से ये बात कही जा रही थी राजनीतिक दलों की। लेकिन इसमें संतुष्टि इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जहां पर सामान्य सभी जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी वो सब सामान्य हो जाती, तो निश्चित तौर से वहां के सामान्य दावेदार कुछ ना कुछ तो दखल देते। लेकिन अब क्या है, जब संवैधानिक तौर पर कुछ बातें हो जाती हैं तब वहां पर एक फिक्सेशन हो जाता है कि इस वर्ग के अलावा 14% तो कम से कम ओबीसी के लिए सुरक्षित हो ही गया, वो तो पहले से ही था। लेकिन बस ये है कि अब लड़ाई, इन दोनों दलों की लड़ाई में बीच में पिस गया ओबीसी वर्ग, और बाद में हुआ क्या कि लौट के बुद्धू घर को आए, ऐसी वाली कहानी हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन ये तो सरकार की कम से कम मंशा की, जब कांग्रेस ने पूरे तरीके से बात कर ली थी, या विवेक तन्खा जी का हमने बयान भी सुना था, आज का बयान आनंद तारण जी ने सुना, पिछला हमने भी सुना था, उन्होंने कहा था कि अब कोई रिव्यू से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जो सरकार की थी, वो सरकार और शिवराज सिंह चौहान की जो उम्मीद थी, वो उम्मीद लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने मंशानुरूप एक सरकार की फैसला दिया, तो सरकार और भाजपा के लिए तो आज उत्सव का दिन है, मना रही है। ठीक है संदीप जी, बोतल के अंदर बंद हो गया 14% के फैसले के साथ ओबीसी आरक्षण का जिन्न या बाहर आ गया, एक तो ये, और दूसरा कि अब क्या लगता है घमासान और बढ़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ 14% सीटों पर ओबीसी, लेकिन बाकी जहां उतारने की, क्योंकि दोनों दल कह रहे हम देंगे साफ 30% या 27%, तो वहां पर वो जो सामान्य वर्ग का, तो ओबीसी वर्ग का जो प्रत्याशी, वो इसीलिए घबराया हुआ है, साहब टिकट मिल भी गया तो सवर्ण या सामान्य लोग जीतने देंगे कि नहीं, तो ये नया घमासान नहीं शुरू होना है संदीप जी प्रदेश में? दीपेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी भले बोतल में बंद जिन दिख रहा है, लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे वो ढीला होगा और बाहर आ जाएगा। एक चीज ये आप तय मान के चलिए कि आने वाले मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, 14% मिल गया, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि सरकार की पहल की तमाम चीजें ओबीसी वर्ग संतुष्ट, कुछ वर्ग संतुष्ट हो जाएगा उसका हिस्सा। जहां तक आपने 27% की दोनों राजनीतिक दलों ने बात की है, आप ये मानिए दीपेश जी, अगर 27% सीटें आरक्षित होती तो राजनीतिक दलों के लिए उम्मीदवार का चयन आसान होता। अब आपके पास सिर्फ 14% जगह है जो ओबीसी के लिए आरक्षित रहेंगी, वहां आप ओबीसी का उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन वो 13% कौन सी जगह होंगी, इसका वैल्यूएशन राजनीतिक दलों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। मान लीजिए ए सीट है जो अगर आरक्षित हो जाती ओबीसी के लिए, तो आप बच जाते अपने जनरल के जो कैंडिडेट दावेदार है उनसे कह सकते थे अब आरक्षित हो गई तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जहां जनरल का दावेदार होगा और आपको 13% पिछड़ा उतारना है, तो कितना संग्राम होगा, कितना संघर्ष होगा, इसकी कल्पना हम और आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों स्थानों पर चुनाव होना है, पंच सरपंच वार्ड महापौर जिला पंचायत, कितने चुनाव हैं और इसको कैसे मैनेज करेंगे राजनीतिक दल। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात कह जरूर दी गई है 27% की, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस बात का आकलन नहीं किया है कि उन्हें किस परिस्थिति से गुजरना होगा और संग्राम बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, उसकी उम्मीदें नजर साफ आने लगी है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी इस विश्लेषण के लिए, महेंद्र जी आपका शुक्रिया, आनंद तारण जी आपका शुक्रिया, और विशाल जी आपका शुक्रिया। तो राजनीतिक दलों ने क्या मुसीबतें अपने लिए बढ़ा ली हैं, नए नए वादे करके 14% आरक्षण मिला है कोर्ट से, बाकी के लिए क्या किया जाएगा, किसका टिकट काटा जाएगा, तो इससे क्या वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, क्या वाकई ओबीसी को फायदा मिलेगा, और अब आगे क्या क्या होता है इस पर नजरें रहेंगी कि ओबीसी वर्ग इस उपलब्धि के लिए सरकार ने जो किया उसके लिए उसका कितना साथ देती है, या फिर जो आधे अधूरी थाली आई है सामने उसके लिए कितनी नाराजगी जाहिर करती है, इस पर नजरें रहेंगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।